हेलो दोस्तों, आज यार यूरिन आरंभ कर रहा था तो माइक्रोस्कोपिक करने के टाइम में एक ट्राइकोमोनास वेजिनालिस दिखा, जिससे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम चलते देखते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह माइक्रोस्कोपिक पिक लगी है यहाँ पर, वीडियो बकायदा बनाया मैंने, इसको चलते हुए आप देख रहे हैं वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है क्या? एक्चुअली ये अमीबा की बहुत सारी स्पीसीज होती है, उन्हीं से एक स्पीसीज ये भी है जो कि ट्रोफोजॉइट स्टेज में पाया जाता है। इसमें ओवा या सिस्ट इसकी नहीं होती है, ठीक है। और ये फीमेल में जो है ना, ह्यूमन फीमेल में इसके प्राइवेट पार्ट यानी वेजाइना में पाया जाता है ज्यादातर, और कभी कभी उससे पहुंच जाता है, उसके सर्विक्स में पहुंच जाता है या यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। अब ये कभी कभी सेक्सुअल कांटेक्ट करने के टाइम पर ये मेल में भी पहुंच जाता है, फीमेल से मेल में पहुंच जाएगा सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान। तो मेल के जब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पहुंचता है तो ये मेल के सेमाइनल वेसाइकल में या फिर उसके यूरेथ्रा में या फिर उसके प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंच जाता है और वहां पर पाया जाता है। अगर बात करें इसके तो इसके जो लेंथ होती है यानी चौड़ाई लंबाई जो होती है 10 से 30 माइक्रोमीटर की होती है, और विड्थ इसकी जो होती है 5 से 15 माइक्रोमीटर की होती है, और ये जो इसकी मोटिलिटी होती है यानी गमन जिसको बोलते हैं वो जर्की या ट्विची टाइप की होती है। मतलब जर्की टाइप का, एक जगह से दूसरी जगह जैसे रबड़ को पकड़ो इसके बाद क्या नाम छोड़ दो वो ट्विची हो जाता है। जर्की मतलब एक जगह से कोई चीज फेंको दूसरी जगह पहुंच जाए, जर्की होता है, ठीक है, किसी चीज का प्रयोग करके हो जाता है ट्विची। अब ये वेजाइनल डिस्चार्ज यानी फीमेल में जब ये पहुंच जाता है तो फीमेल में जिसका ओरिजिनल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जब कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो थिक और मिल्की होता है, किसी तरीके की जाता है, उसका स्मेल नहीं होती है, गंदी स्मेल टाइप की नहीं होती है। लेकिन जब ये पहुंच जाता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस फीमेल को, उसमें अंदर में क्या बोलते हैं जेनेटल ट्रैक्ट में, तो वहां पर ये क्या करता है, एक तरीके से वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसको थीन कर देता है, पतला कर देता है, और उसका जो कलर होता है येलो से या ग्रीन कलर में कर देता है उसको, और बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, अनप्लेजेंट तरीके की स्मेल आती है, उसको खुद ही मतलब स्मेल नहीं अच्छी लगती है फीमेल को, और कभी कभी इसकी वजह से उसको पेन भी होना लगता है। और इसकी वजह से पता है लोगों के दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कभी आपकी यूरिन में जो है ना क्या हो जाता है कि मतलब स्ट्रॉबेरी के तरीके जो है ना आपके वजाइना में दाने पड़ जाते हैं, उस तरीके की दिखाई देना शुरू हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट क्या देना होता है, तो ट्रीटमेंट में निडाजोल दे सकते हैं या टीनिडाजोल दे सकते हैं, इसके बाद बीटाडीन टैबलेट दे सकते हैं या पोबिडोन आयोडीन का एक टैबलेट आती है उसको दे सकते हैं, या वेजाइनल पेसरीज के नाम से आती है उसको दे सकते हैं, या टैबलेट जिनिस्टिन के नाम से आती है जिनिस्टिन के नाम से आती है उसको दे सकते हैं, टैबलेट वेजेसिन के नाम से आती है इसको दे सकते हैं, जिसको जिससे आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें।